हाँ, राजस्थान सरकार जिस तरीके से युवाओं की बात को जो दबाने का प्रयास किया गया है, आज जो अचानक शांतिपूर्ण हम बैठे थे धरने के ऊपर, हमारी संख्या भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि हमारी कॉल थी कल 7 तारीख को, उसको लेकर के उन्होंने हमारे को इतना घसीट घसीट करके लात घुसों में छाती पर लाते मारी गई है। मेरे दर्द अभी भी हो रहा है, यहाँ भी देखो मेरे ये चोटें आई है, ऊपर है ये, कान पे भी, हाँ कान पर भी बहुत सारी मेरे चोट आई है, बहुत सारे साथियों की चोट भी आई है। ये आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि तुम आप कब तक रोकोगे, हम हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप कब तक रोकोगे। इसलिए अभी हमारी बैठक भी है, इन्हें लिए पूरे दिन हमें थाने में ले जाने के बाद में भी टॉर्चर किया गया है। हम लाइव आकर के अगली जानकारी घोषणा भी करेंगे, पर तो हम रुकेंगे नहीं, जो भी घटना हुई है हमारी पूरी तरीके से बताएंगे। अभी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं पूर्ण रूप से, एक एक साथी को जिस तरीके से आप वीडियो भी वायरल हुए हैं, भयंकर मीरा की वार्ता चैनल के तमाम साथी जो जुड़े हैं उनसे हम तो यही मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम यूनाइटेड होकर के लड़ना चाहते हैं। सरकार जिस तरीके से पुलिस के दबाव डाल करके आंदोलन को कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है आंदोलन में मोड़ आ सकता है, हाँ दबाया जा सकता है, परंतु जितना दबाओगे उतनी मजबूती से आगे उठेंगे। तमाम मीरा की वार्ता चैनल से जो लोग जुड़े हैं साथियों, डेमोरलाइज नहीं होना, जो भी पिटाई की हमने झेली, हम मजबूती से लड़ेंगे और भी हमारी जंग जारी रहेगी। अगली कॉल हम जल्द अभी बैठक के बाद में निर्णय लेंगे। जिस तरीके से जयपुर के अंदर अभी 144 धारा लगा रखी है इधर, उस सारी चीज़ को देखते हुए तमाम आज जो घटनाक्रम है उसको लेकर के बैठक करके तमाम साथियों सूचना देंगे, परंतु हम इस लड़ाई के खिलाफ लड़ेंगे। इन विधायकों को जिस तरीके से हमारे साथ बुद्धिजीवी किया है, राजस्थान सरकार के विधायकों को काम में नहीं घुसना देना है, काम में नहीं घुसना देना है, सुन लेना ये बात, इनसे सवाल पूछिए कि जब अपने हक की कोई बात करता है, कोई अपने दर्द की कोई बात करता है, कोई अपने आंगन की कोई दुख और दर्द की बात करता है, कोई अधिकार की बात करता है, तो तुम उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको उनके खिलाफ आप मुकदमे लगा करके जबरदस्ती लात घूसों से आप गिरफ्तार कर सकते थे, पर तो आपको मारने का, माँ और बहन की गाड़ियाँ निकालने का क्या अधिकार था। तो जिस तरीके से किया ना ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।